फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड निकी और आज मैं आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं जो मेरे से आप काफी बार पूछ चुके हैं और मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूं कि डिलीवरी के बाद कैसे आप अपना टमी कर्स कम कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको पूरा दावा करती हूं, आप इसे 2 से 3 महीने यूज करके देखिए आपको कितना फायदा होने वाला है। जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई है वो भी आप इन्हें यूज कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। और जिनका वेट अभी आप बेबी बड़ा भी हो गया है, 1 साल 2 साल आप चाह रहे हैं लूज करना, तो भी आप ये जरूर आप उपाय अपनाइएगा तो देखिए आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो अब मैं देरी नहीं करूंगी, वीडियो शुरू करते हैं। और पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे आपने मेरी और वीडियो को प्यार दिया है प्लीज इसे भी दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहला तो मैं हर वीडियो के मैं पहले बोलती हूं कि आपके लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट, ये तो पता ही है। तो पूरा दिन आप कोशिश कीजिए, आपको सिर्फ गर्म पानी ही पीना है, खौलता हुआ नहीं, गुनगुना पानी भी पिए, वेल एंड गुड। आपको बहुत जल्दी आपको डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल रहेगा, आपको हाइड्रेट करेगा और आपका बॉडी को वर्क करने में अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, वार्म वाटर आपको पीना है रेगुलरली, ठीक है। सेकेंड टिप ये है कि अभी अभी आपका बेबी हुआ है तो आपको क्या करना है, मसाज जरूर करवानी है अपनी टमी की। मसाज बहुत जरूरी है नई मां के लिए, मसाज से आपको बहुत रिलीफ भी मिलता है, पेन मसल्स में रिलीफ मिलता है, पेन में रिलीफ मिलता है, बाकी आपको बॉडी को टोन होने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो जो नई मां है वो जरूर कराइए इसको, जो मसाज होती है उसको जरूर कराइए। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी में आता है जिससे वेट गेन होता ही होता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपका वेट गेन होगा। तो वेट स्ट्रेस से बचने के लिए आप कम से कम 7 से 8 घंटे जो नींद है वो पूरी ले। जरूरी है आपका बच्चा आपको सोने नहीं दे रहा है, इस तरीके से आप कोई भी आपको बहाना नहीं बनाना है। जब बच्चा सो रहा है उसके साथ सो जाइए। आपको पूरा दिन में ऐसा करना है कि 7 से 8 घंटे आपको लेना ही लेना नींद। मान लीजिए आपने रात में आप 3 ही घंटे सो पाए हो, आपका बेबी ने जगाया इस तरीके से, बट आप अगर वो दिन में सो रहे हो तो दिन में आप सो जाइए। आपको अपना पूरे दिन का 7 से 8 घंटा पूरा करना ही है, कैसे भी आपको अपना भी ध्यान रखना है तभी आप अपना बेबी का ध्यान रख पाएंगे। तो नींद बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको मैंने बताया है वेट गेन होता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट टिप है, आपको ज्यादा से ज्यादा फूड्स खाने हैं, सैलेड खानी है, ग्रीन वेजीज ज्यादा से ज्यादा खानी है, जंक नहीं खाने हैं, प्लीज मैदा अवॉइड कर दीजिएगा। और जो हाई कैलोरी फूड है वो प्लीज मत खाइएगा, क्योंकि आपको आगे वो बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। आपको वेट गेन तो करेंगे ही, इसके अलावा आपको बॉडी पेन जो इस तरह जो हमारी बॉडी रिस्टोर करने के लिए जो हमें हेल्दी फूड चाहिए वो इस टाइम लेना बहुत जरूरी है। तो जंक प्लीज अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो वो आपको बॉडी पेन भी करेगा और बहुत सारी हमारी बीमारियां भी हमें देता है, जो कि मैं आपकी माई वेट लॉस स्टोरी में सुना चुकी हूं अपनी कहावत कि मैंने कैसे किस तरीके से मेरी प्रॉब्लम हुई थी और मेरा वेट गेन हुआ था और मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ था वेट लॉस करने में। तो प्लीज आप जरूर इस टाइम कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जंक खाएं, शुगर कम से खाएं, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा इन चीजों को। आपको इस टाइम कार्ब अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, लाइक कार्ब रोटी भी है चावल भी है, बट आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपनी शामिल करेंगे अपनी डाइट में तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब लाइक बेसन, रागी, ज्वार, जौ, इस तरीके से, मतलब रोटी आप कोशिश करिए अपना मल्टीग्रेन बनाने की। आप 2 मुट्ठी आटा ले रहे हैं गेहूं का तो उसमें 1 मुट्ठी जौ डाल दिया या रागी डाल दी, या इस तरीके से रागी का आप अलग से मांडिया बना सकते हो घोल के, वो मैं जरूर शेयर कर दूंगी, उससे भी एक सूप की तरह। तो रागी तो मल्टीग्रेन है, उसके तो कितने फायदे मैं आपको गिनाऊं तो कम है। तो रागी जरूर अपने में ऐड कीजिए और मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप चीला बना सकते हो उसका, आप सूप बना सकते हो, और भी बहुत सारी रेसिपी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड कीजिए अपने उसमें डाइट में। और ड्राई फ्रूट्स ये भी आपकी उसमें ऐड होना ही चाहिए। आप फीडिंग ज्यादा से ज्यादा कराएंगे तो आपको भी ज्यादा जरूरत है मिल्क की, तो आपको मिल्क पीना है, 2 टाइम जरूर पीना है। और आप टोन मिल्क पी सकते हो, ज्यादा मलाई वाला पीने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं है। और आपको
ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के जरूर खाने हैं, मेनली बादाम तो आपको खाना ही खाना है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको वेट लॉस के लिए। और सबसे बड़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप वेट लॉस के लिए सीरियस हैं और वाइल आप फीडिंग करवा रहे हो तब, तो आपको क्या कराना है, फीडिंग कराना है, बस फीडिंग आपको ज्यादा से ज्यादा कराना है। 6 महीने तक बच्चे को आपको सिर्फ फीडिंग ही देना होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं खिलाना पिलाना, कुछ भी नहीं। तो आपको बहुत ज्यादा आपका वेट लॉस होता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बस आप अपनी डाइट में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है वो आप कर लीजिएगा। और डाइट में आपके साथ काफी शेयर कर चुकी हूँ, आप वो यूज कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर, हाँ, इसके अलावा डिटॉक्स वाटर आपको पूरा दिन पीना है, 1 से 2 लीटर आपको डिटॉक्स वाटर पीना है, जो कि आप अजवाइन वाटर और दालचीनी वाटर पी सकते हो। ये वीडियोस मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पूरे दिन में डिटॉक्स वाटर जरूर पीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर एक्सरसाइज किया 6 महीने तक, आप प्लीज एक्सरसाइज ना कीजिएगा। अगर आपका ऑपरेटेड बॉडी है या नॉट, 6 महीने तक आप ज्यादा बॉडी पर नहीं ले अपना बल, ठीक है, कोई भी मतलब स्ट्रेस मत लीजिए। आप 6 महीने बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, लाइट योगा वॉकिंग इस तरीके से आप शुरू करते करते आप हैवी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, और जरूर फॉलो कीजिएगा। और मैं आगे भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज लाऊंगी, पर प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, टेक केयर।